रुक रुक कलेक्टर साहब आ रहे हैं, चलो चलो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाय बच्चों, हाय, कैसी है माजी? आपके कहने के बाद उनके जितने आश्रम में वहाँ मैंने इंक्वायरी की, सारी जगह पर ऐसी हालत है। इन बच्चों को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैंने सोच लिया है। ए, क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, आप लोग की हालत सुधरने वाली है, पर कोई हंसी नहीं रहा। आजी कलेक्टर साहब, झंडा फहरा कर तालियां बजाने को बोलो तो ये लोग तालियां बजाते हैं। अब ये क्या बताएंगे, इनसे क्यों पूछ रहे हो आप? आप यहाँ? अरे इसने तो हमें पहचान लिया। देखो कलेक्टर, अब तुम बात तो समझ गए होगे ना, इस अनाथ आश्रम के दान का पैसा और गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, इन दोनों घोटाले में तेरा कितना परसेंटेज है ये हमें बता दे। अनाथ पैदा होने वाला हर बच्चा इस जगह को अपना घर कहता है, इनके लिए मंदिर है, और तुम यहाँ पर भी घोटाला कर रहे हो। देखो ज्यादा परेशान मत करो, कितना चाहिए मैं बता दो। जब तक मुझ में जान रहेगी इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या बात हुई, काम कर रहे अपना तू। देख ले कलेक्टर, काफी है या कुछ और करना होगा? क्या? आप लोग चुप कहेंगे मैं करूंगा। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते नमस्ते, साइन कर भाई। हाँ ये सब अपने आदमी है, अपने इन्फॉर्मर है। सर यहाँ साइन कर दीजिए ना भाई, नहीं तो बच्चे भी पार साल हो जाएंगे। रुको, ये सब जिसने भी देखा है वो जिंदा नहीं बच सकता। नहीं प्लीज। मतलब तुम उस दिन? अब भी समझ नहीं पाया क्या? मैं मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से हूँ। तुम्हारे आदमियों को और शंकर के आदमियों को मैंने ही मारा। मौका पाने के लिए मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास ही रही। पहले तुझे और फिर उस कमीने शंकर को। कहाँ है बेटा वो? कहाँ है वो? इसे मुझे सौंप कर यहाँ से तुम डायरेक्ट डांस प्रोग्राम में चले जाओगी, मतलब क्या बात है। अब तू बता बेटा, क्या फंसा है तू? तो एक पागल कुत्ते को पकड़ कर बांधते हैं ना, ठीक उसी तरह से बांध कर रखा है तुझे। क्यों बे, मेरे बेटे को मरवाएगा? मुंह खोल रहे, मुंह क्या होता है? बकरे की तरह मिमिया कर गर्दन क्या हिला रहा है? सड़क के किनारे एक तोते को लेकर ज्योतिषगिरी क्या करता था तेरे लिए? उस जस जसराज और उसके बेटे को मार कर उसका पोता बनाकर तुझे यहाँ लेकर के आया था। मुझसे ही गेम खेलता है तू? बोलता क्यों नहीं है तू? ओ मुंह बंद है ना, बोल। तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा रे? बोल। मेरे बेटे को मैंने मारा था। ए, मैं तुम दोनों को जान से मार डालने के मकसद से आई थी, लेकिन शंकर मेरे बच्चों को किडनैप करके तूने मुझे बहुत टेंशन दे दी थी। बेटी यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे शंकर, लगता है मौत हमारे करीब आ गई, कुछ तो करना। हम तुम्हारे बाप जैसे हैं, हमें छोड़ दो बेटी। बेटी बेटी, घोटाले ही नहीं, आगे से कोई भी गलती नहीं करेंगे हम लोग। हमें छोड़ दो बेटी। ए! छोड़ दो। रोड बनाने के लिए स्कैम, फ्लाईओवर बनाने के लिए स्कैम, घर घर में बिजली पहुंचाने के लिए स्कैम, मेडिकल स्कैम, वाटर स्कैम, चारा स्कैम, जहां देखो स्कैम स्कैम स्कैम, रेडी हेल विद स्कैम। वो बेचारे उन लोगों के खाने और पढ़ाई के साथ भी तुम लोगों ने स्कैम किया। जो स्कैम तुम लोगों ने किया उसकी वजह से जो गरीब बच्चे बेचारे गांव से पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उन्हें खाना पीना कपड़ा और शेल्टर के बिना कड़ी धूप में रखकर बारिश में भिगाकर जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी। ए, तुम्हें दोबारा इंसान का जन्म मिला ना तो तुम भी अनाथ बनकर पैदा होगे। क्या हुआ बेटी, मेरा मोबाइल ले रही हो? ये सब क्या है? सिलेंडर के पास मोबाइल रख दिया, अब क्या होगा? मोबाइल बजेगा तो सिलेंडर फट जाएगा। बेटी बेटी, हमें माफ कर दो बेटी, बेटी बेटी जाओ मत, बेटी बेटी हमें माफ कर, बेटी रुक जा।